अगले ओलंपिक्स में मैं हिंदुस्तान को पहलवानी में मेडल दिलाऊंगा, वो भी सोने का। इंडिया का कोर्ट है? हमें नहीं मिलता इंडिया का कोर्ट, कमाना पड़ता है। दो बड़ी एक्ट्रेसेस होंगी फिल्म में, क्या सोनाक्षी को है फिल्म से एतराज? नमस्कार दर्शकों, मैं सलोनी वर्मा करती हूँ आप सभी का स्वागत बॉलीब्रैक स्टूडियोज पर। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भी बॉलीवुड की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जॉब लिंक पर जरूर जाएं और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। हम बात कर रहे हैं फिल्म दंगल की। जी हाँ दोस्तों, 2016 में आमिर खान ने एक ऐसा डायलॉग मारा था कि मारी छोड़िया छोरों से कम है के। इस डायलॉग ने विमेन एम्पावरमेंट को इतना ज्यादा बूस्ट किया था, विमेन एम्पावरमेंट इस फिल्म के बाद इतना ज्यादा बढ़ा भी था। ये फिल्म थी बेस्ड दो लड़कियों की कहानी पर, जहां पर उनके गांव में उन्हें स्पोर्ट्स करने से रोका टोका जाता है, लेकिन उनके पिता महावीर सिंह फोगाट ये ठान लेते हैं कि उनकी बेटियां देश के लिए गोल्ड लेकर आएंगी और वो अपनी बेटियों की ट्रेनिंग बचपन से ही शुरू कर देते हैं। और बड़े होकर ये होता भी है, उनकी बेटियां गीता और बबीता फोगाट देश के लिए गोल्ड जीत कर लाती है। आपको बता देंगे दंगल 2 बहुत जल्द आने वाली है। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था दंगल 2 की लोकेशन क्या हो सकती है, इस वीडियो में हम बताते हैं कि दंगल 2 में कौन सी बड़ी एक्ट्रेसेस हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, सुनने में आ रहा है दंगल 2 में दो एक्ट्रेसेस होने वाली है, एक होने वाली है मेन एक्ट्रेस और दूसरी साइड एक्ट्रेस। सुनने में आ रहा है मेन एक्ट्रेस के लिए नाम फाइनल हुआ है प्रियंका निक जोनस का। जी हाँ दोस्तों, और उसके बाद जो साइड एक्ट्रेस का किरदार है वो निभाती नजर आ सकती है सोनाक्षी सिन्हा। प्रियंका चोपड़ा बॉलीवुड में वापसी करने की काफी समय से तैयारी कर रही थी और ये बहुत अच्छा मौका है उनके लिए भी। बहुत जल्द फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो जाएगी, फिल्म की स्क्रिप्टिंग पर काम चल रहा है। आपको क्या लगता है फिल्म के बारे में कॉमेंट सेक्शन में बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं लेती हूँ आप सबसे विदा, फिर मिलेंगे यही इसी चैनल पर। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।